ब्लॉग। सो गाइज, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है मेरे कॉलेज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर, रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाला है कि DI में कैसे इंटरव्यू होता है, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड काफ़ी लोगों को होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू होता है, काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी ज़्यादा था कि मैं क्लियर कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या फिर मेरा एडमिशन होगा ही नहीं ऐसे। तो मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो मैंने अपना एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया था। मेरा एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन हुआ था क्योंकि उस टाइम पर कोविड था, तो मैंने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने ऑनलाइन दिया था और मेरा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद मैं उनकी डेली वेबसाइट चेक करती रहती थी कि मुझसे कोई भी लिस्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि उनकी जो लिस्ट होती है ना वो कभी भी आ जाती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उनकी लिस्ट कभी भी आ जाती है, कोई भी एक एक्यूरेट टाइम नहीं है। तो एक लिस्ट में मेरा नेम था एंड उसी के पास मेरा एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ था। उसी लिस्ट में मैंने देखा एक लिंक भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो था एक गूगल मीट का, एंड डेट टाइम सब कुछ उधर मेंशन था। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, बस उस डेट पर हमें उस लिंक को क्लिक करना होता है और हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं। मतलब 2-3 बार क्लिक करना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि किसी और का भी इंटरव्यू हो रहा होता है। तो ऐसे ठीक है, तो जब मैं ज्वाइन हुई उस इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पर 2 मैम थे, शायद 3 लोग थे, बट 2 मैम ही मुझसे बात कर रहे थे। उनका कैमरा ऑफ था बट मुझे अपना कैमरा ऑन रखना था। तो सबसे पहले मैंने उनको विश किया, जो भी था मेरा इंटरव्यू का टाइम था 12 बजे से 1 बजे तक है, 1 घंटे का था, सबका होना था। तो इसीलिए ज्वाइन होने में थोड़ी सी दिक्कत आई, 12:30 तक मैं ज्वाइन हुई थी शायद से। एंड मैंने उनको विश किया कि गुड आफ्टरनून मैम, सबसे पहले विश किया और उन्होंने मुझे विश किया। देन उसके बाद उनका जो पहला क्वेश्चन था ना वो सिर्फ ये था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। लिटरली गाइज ये वाला क्वेश्चन था। मैंने अपना इंट्रोडक्शन उनको बहुत अच्छे से दिया, मैंने अपने बारे में उनको हर चीज़ बताई कि मैं किस तरीके की पर्सन हूँ, मुझे क्या क्या करना पसंद है और सो एंड सो। ये आपको इंटरव्यू देते टाइम ना अपने में एक ये चीज़ रखनी है कि आपको अपनी फैमिली को इंक्लूड नहीं करना है अपने इंट्रोडक्शन में, जस्ट बिकॉज क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके बारे में जानना चाहता है, ना कि आपकी फैमिली के बारे में। तो मैंने ऐसे ही किया था कि मैंने सिर्फ अपने बारे में उनको बताया था कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, और जिस कोर्स में मैंने अप्लाई किया था उसके बारे में मैंने कुछ उनको बताया कि मैम मुझे ये भी करना पसंद है, इसीलिए मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, ऐसे ऐसे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप अपने फादर के बारे में बता रहे हैं, सिबलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन मैम ने मुझसे पूछा जिस कोर्स में मैंने अप्लाई किया था उसके रिगार्डिंग मुझसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, सो एंड सो। तो गाइज मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगी, जिस कोर्स पे आप अप्लाई करते हैं उसके बारे में आप पढ़ लें बहुत अच्छे से, और हाँ ये वाला आंसर तो अपने माइंड में रख लें कि आप इस कोर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रही हैं, आपके मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस वो लोग पुटअप कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये कि आप जो भी हॉबीज़ बताते हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे आपने बताया क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर, ये क्रिकेटर वो क्रिकेटर, ऐसे वो लोग घुमा घुमा के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बट हाँ, जो आपने उनको बताया होता है वही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने उनको बताया था कि मेरे को ना ब्लॉगिंग करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी सिंपल लाइफस्टाइल शेयर करना भी अच्छा लगता है लोगों के साथ, और कुछ मतलब आगरा की भी व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, ऐसा कुछ मेरा था हॉबी में जो मैंने उनको बताया था। कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आगरा का एक फेमस ब्रेकफास्ट बताओ, आगरा का फेमस स्वीट बताओ, तो ये क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने उनको बहुत इजीली दे दिए थे। पर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल क्यों बनवाया गया था, ठीक है, ताजमहल क्यों बनवाया गया था हमें अच्छे से पता है, तो मैंने भी उनको ऐसे ही आंसर दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल किसने बनाया था, लाइक एक वर्कर का नाम मुझसे पूछा, तो आई वॉज ब्लैंक दैट टाइम। बट मैंने उनको बोला कि मैम मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता,
मैंने डायरेक्टली उनसे बोल दिया, सॉरी मैंने उनसे डायरेक्टली बोल दिया कि मैम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। तो उन्होंने बोला ओ ओके, उन्होंने बोला कि तुम अब ना मतलब लीव कर सकती हो ऐसे करके। तो मैंने कहा ओके मैम थैंक यू। ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस मेरे मतलब इंटरव्यू का। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आंसर्स दे दिए थे। एंड एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया था कि मैम मेरे को नहीं आता, ऐसे मैंने डायरेक्टली मना कर दिया था। तो आप लोगों को इंटरव्यू देते टाइम कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि जो मैंने रखे थे बेसिकली वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फर्स्ट ये कि आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो आप उनको अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे। बहुत धीरे धीरे झिझक झिझक के और रुक रुक के आंसर दोगे, वो अच्छा नहीं लगता। और ये अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली उनसे मना कर दो। आप उनका टाइम वेस्ट मत करो और ना ही उन्हें इरिटेट करो। अगर आप उनके क्वेश्चन का घुमाकर आंसर दोगे ना तो ऐसा शो होता है कि आपको कुछ आता नहीं है बट तब भी आप इसका आंसर दे रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, अच्छा इमेज नहीं बनता। तो इस वजह से आप डायरेक्टली मना कर दो, उनका टाइम वेस्ट मत करो, खुद का भी मत करो, ठीक है ऐसा, क्योंकि और क्वेश्चंस के आंसर्स पे ना आपका इफेक्ट पड़ जाएगा इस वजह से। सो सेकंड पॉइंट है ड्रेसअप। तो आपको अपने ड्रेसअप पे बिल्कुल ध्यान देना है, आपको एक अच्छा सा फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, थोड़ा सा डिसेंट लगना है। क्योंकि मुझे लगता है वहाँ के टीचर्स ना थोड़ा सा देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ एकदम ऑनेस्ट। थर्ड और लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थोड़ा पढ़ लो। अगर आप DI में अपना इंटरव्यू दे रहे हो ना तो प्लीज़ थोड़ा पढ़ लो, एटलीस्ट अपना इंटरव्यू अच्छे मतलब अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे पाओ, और जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है उसके बारे में पढ़ लो, और अपने थोड़े से ना फ्यूचर प्लान्स भी ले लो कि मैं ये कोर्स क्यों करना चाहती हूँ, मैं ये डिग्री क्यों लेना चाहती हूँ, इससे मुझे करके ये मिलेगा तो मैं ये करना चाहती हूँ, बाद में ये करना चाहती हूँ, सो एंड सो। तो ये भी कर लो, थोड़ा पढ़ लो बस, है ना। तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और लास्टली मैं कहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील कराना कि आपको डर लग रहा है किसी के सामने आने से या अपनी पर्सनैलिटी शो करने से, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, बस इतना होता है और अजीब सा लगता है ना। तो दैट्स इट। तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा आज का वीडियो, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और थोड़ा सा हेल्पफुल भी रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है अबाउट कॉलेज के रिगार्डिंग, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, मतलब कोई अच्छे से मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता पाऊँगी थोड़ा रह के आराम से, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। सो लाइक शेयर कमेंट एंड बाय गाइस, टेक केयर।